माननीय मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं माननीय 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे माननीय, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए माननीय मान्यवर, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया, बैठिए। मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता, ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं जिसमें मतदान का प्रावधान है। माननीय, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। माननीय, मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। माननीय, 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। भाग रहे हैं, ये चर्चा नहीं चाहते हैं, मान्यवर होने नहीं देते हैं।